ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਹ ਥਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਥਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ प्रशासन बहुत ही लापरवाह प्रशासन ने कितने भी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई आ इस प्रशासन की वजह तो होया वा उन्होंने गड्डी अपने चार पांच बंदे मारते आप शांतपूर्वक प्रदर्शन करते थे ठीक है सिर्फ काले झंडे विखाए जा रहे थे उन्हें अपने बंदे चार पांच मार दते गड्डी चढ़ा के तो उन्होंने बंदे चार पांच इतने मर गए गड्डी च उतर के दूजे पास डिग गए थले नमस्कार आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप मैं सुधीर गांधी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है राज्य मंत्री के जो मंत्री हैं लखीमपुर से टेनी उनके बेटे ने किसानों के ऊपर कार चढ़ा दी है जिसमें जो है मौके पर तीन किसानों की मौत हो गई है और कई घायल किसान होने की खबर आ रही है आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम लगा हुआ था लखीमपुर में जिसमें किसान जो है काले झंडे दिखाकर उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ये राज्य मंत्री के बेटे को नागवार गुजरा और काफिले ने किसानों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ाते हुए आगे निकलते गए एक गाड़ी में किसानों ने आग लगा दी है पूरा आक्रोशित किसान हो चुका है मौके पर जो है आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में किसानों के साथ हो रहा अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल हो रहा है किसान एक हो रहे हैं तमाम जिलों के किसान लखीमपुर पहुँच रहे हैं आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं किसानों को लेकर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा ये पहले भी कई बार इस प्रकार की किसानों को धमकियां इन्होंने दी थी लेकिन किसानों के साथ इस प्रकार की जो हरकत की गई है उस पर अभी सरकार का कोई भी एक्शन सामने नहीं आया है कोई भी बयान अब तक जारी नहीं किया गया है मौके पर पीएससी अन्य पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं लोकल मीडिया एवं जो भी जनसंचार के लोग थे उनको जाने से रोक दिया गया है बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से आखिरकार किसानों के ऊपर राज्य मंत्री के बेटे ने कार क्यों चढ़ाई कई सवाल उठ रहे हैं कई हादसे लगातार उत्तर प्रदेश में होते जा रहे हैं योगी सरकार के इतने कड़े एक्शन होने के बावजूद भी आखिरकार अपराध थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है आज ही जिस प्रकार से जो है सभी आईएएस आईपीएस को मुख्यमंत्री ने लोकभवन बुलाया था जिसमें जो है उन्होंने समीक्षा बैठक की कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा उसके बाद ये बड़ी घटना सामने आ रही है जिसमें तीन किसानों की मौत हो गई है फिलहाल हम लोग जो है खबर पे नज़र बनाए हुए हैं आप लोग देखते रहिए द इंडिया टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें